आज की वीडियो में मैं इस स्टैंड कॉलर की आपको कटिंग बताऊंगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। ये देख सकते हैं आप कितना फिनिशिंग के साथ हमारा बन के तो रेडी हुआ है। आप जेंट्स कॉलर भी ऐसे ही सिलाई कर सकती हैं और लेडीज़ के ऊपर भी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बैंड के लिए मैंने टफ वाली बुकरम ली है, जेंट्स बुकरम जिसे बोलते हैं, तो 2.5 इंच का एक पीस इसमें से अलग कर लूँगी। तो मुझे 16 इंच बैंड चाहिए, तो ये उससे पीस ज़्यादा ही है जो जितना मुझे रिक्वायर्ड था। अब हम इसके ऊपर मार्किंग कर लेते हैं। बंद वाली साइड से आपने मार्किंग करनी है, सीधी कटी हुई है लेकिन फिर भी ताकि जितने भी हमारे मार्क आए वो हमारे एक बराबर आए। और आप चाहें उसकी चौड़ाई तो 1 इंच भी रख सकते हैं। अगर 1 इंच रखनी है तो आपने एक लाइन 1 इंच पर लगा लेनी है। मैं इसको 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा रखूँगी, तो यहाँ पर मैं ये निशान लगा लूँगी। यहाँ पर ये 1 इंच हो गया और एक लाइन आगे करके मैंने ये एक लाइन बना ली है। तो यहाँ पे 1 इंच और एक लाइन आगे मैंने एक मार्क बना लिया। तो सेकंड लाइन हम बनाएंगे इसके ऊपर 1.5 इंच की, दोनों साइड्स पे 1.5 इंच का निशान लगाएं ताकि आपके जितने भी मार्क आए वो सारे इवन आए। तो यहाँ पे इसकी भी आपने स्ट्रेट लाइन बना देनी है। यहाँ पे जितना आपको बैंड रिक्वायर्ड है उसकी मार्किंग करेंगे। तो मुझे 16 इंच चाहिए, तो उसके हाफ का निशान लगाएंगे हम 8 इंच पे। तो यहाँ पे ये लाइन भी मैं बराबर कर दूँगी, यहाँ से जहाँ ये हमारा 8 इंच है। और ये वाला पहला निशान मैंने 1 इंच 1 पॉइंट पे रखा है, और ये उससे अगली लाइन हमारी 1.5 इंच की है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर ये जो हमने मार्क लगाया है बड़ी वाली साइड से, तो यहाँ पर आपने इसका हाफ का निशान लगाना है। ये मैंने निशान 4 इंच पे लगा दिए। इस 4 इंच के निशान को आप लाइन के साथ मिलाना है। अगर तो आपके पास स्केल है तो आप स्केल के साथ इसकी यहाँ से शेप दे सकते हैं हल्की सारी गुलाई की। अगर आपके पास स्केल नहीं है तो आप ये आयरन लेंगे, तो आयरन की जो हमारी ये टिप होगी आपने इस पॉइंट के साथ मिला के रखनी है, और गुलाई उसकी आपने इस निशान के साथ मिला के रखनी है। और यहाँ पर इसकी आपने एक लाइन बना लेनी है। और अगर आपके पास ऐसा फ्रंच कर्व है तो फिर आप कर्व के साथ भी इसकी गुलाई दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसकी शेप जो है वो तकरीबन एक सी आई है इसमें। यानी ये शेप जो अगर आप देना चाहें तो ये दे सकते हैं आयरन के साथ। इसके साथ इसकी बहुत अच्छी शेप बन के आती है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ और मैंने अप्लाई किया हुआ है। और ये जो है हमारा फ्रंच कर्व के साथ ये वाली लाइन बन के आई है। तो इस लाइन को मैं कैंसिल कर दूँगी, मैं ये जो पहली वाली लाइन है गुलाई वाली इसको यूज़ में लाऊँगी। अब यहाँ से आपने अंदर की तरफ कितना लेना है, तो यहाँ से आपने 1/2 इंच का निशान लगाना है और इसको आपने इस कॉर्नर के साथ मिला देना। और ये वाली शेप जो हमने यहाँ से इस्त्री की दी है, तो यहाँ पे जो 4 इंच का हमने निशान लगाया था, तो यहाँ से ये शेप फिर हम इस्त्री के साथ ही इसको फिर से दे देंगे। टिप को इस पॉइंट के साथ रखेंगे और गुलाई को हमने रखना है इस वाले निशान के साथ। तो ये इसकी शेप बन के आ गई है। अगर आप चाह रही हैं कि आप इस कॉर्नर पे से इसकी गुलाई की शेप दें, तो उसके लिए भी आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने 1/2 इंच का एक निशान लगाना है और इस कॉर्नर पे भी आपने 1/2 इंच का एक निशान लगाना है। और इस निशान को आपने इसके साथ मिला देना। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बैंड की हमारी कटिंग हो गई है। तो इसी तरह का मैं एक और पीस उसको भी कट करूँगी। तो यहाँ पे मैंने सेकंड पीस भी इसके ऊपर ऐसे रख के तो इसी की शेप का ड्रॉ कर लिया है। लेकिन अब जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपने ये जो हमने मार्क बनाए हैं आपने इसके अंदर अंदर कटिंग करनी है, क्योंकि हमने इसको डबल फ्यूज़ करना है। तो ये जब हम इसी बैंड के ऊपर चिपकाएंगे तो ये साइज़ में बढ़ जाता है। जब आपने इसकी सेकंड की आपने कटिंग करनी है, तो आपने ये जो हमारे मार्क बन के आए हैं आपने इससे अंदर वाली साइड से रख के तो इसकी कटिंग करनी है, ताकि ये साइज़ में छोटा हो जाए और जब हम इसको चिपकाएं तो ये उस बैंड के साथ पूरा है। बैंड की हमारी कटिंग हो गई है। ये हमारा सेकंड पार्ट है जो इसके ऊपर हम चिपकाएंगे।
ये हमारी फर्स्ट लेयर है और ये हम इसके ऊपर ऐसे करके तो डबल इसको पेस्ट करेंगे ताकि हमारी अच्छी सी ग्रिप बन जाए और बैंड जो है वो हमारा टूटे ना। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको ये छोटी सी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अपना और अपने रिश्तों का रखिए बहुत सा ख्याल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।